हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास के लिए ट्राई दीज। चैप्टर है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। ये ट्राई दीज पेज नंबर 148 का है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम कर रहे हैं। ओके, इट इज टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय आरएचएस कॉन्ग्रेंस रूल दैट ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल आरपीक्यू। आरएचएस कॉन्ग्रेंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। इस प्रकार से व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड, और कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, इफ इट इज गिवन दैट, अगर हमें गिवन है ये चीजें। तो हमें दो पेयर गिवन है और अब रह कौन सा जाता है, टोटल 3 पेयर की जरूरत होती है। यहाँ पर दो पेयर हमें दे रखी है, तीसरा क्या होगा, तो वो रफ स्केच बना करके हम देखेंगे। ठीक है, दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं? अच्छा, बी और पी पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, तो ये हमने बना दिया रफ स्केच, इसे नाम बी देंगे, इसे नाम पी देंगे। फिर ए बी, ट्रायंगल का नाम ए बी सी है, तो हम चाहिए ए बी ऐसे लिखे, चाहे सॉरी ए और सी रह गया ना, बी तो आ गया, तो चाहे ए यहाँ पे सी यहाँ पे, चाहिए ए यहाँ पे सी यहाँ पे, अगले में ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, तो पी तो यहाँ पे आ गया, क्यू आर लिखें चाहे आर क्यू लिखें। ठीक है, इसके बाद हमें दे रखा है ए बी आर पी के बराबर है, ए बी आर पी के बराबर गिवन है। तो अब आप देख पा रहे हैं आरएचएस के अंदर एक तो होता है राइट एंगल, एक होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखी, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यही होगी। ठीक है, गिवन एंगल बी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू आर पी, एडिशनल इंफॉर्मेशन नीडेड, एज वो हाइपोटेन्यूज रह गई थी, तो ये दोनों, ये वाली चीज कि ए सी बराबर में क्यू आर, तो इतना करने पर ये पूरा हो जाता है। ठीक है, बस हमें इतना ही पूछ रखा था। ट्रायंगल के नाम लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड जो क्वेश्चन है इस ट्राई दीज का ये हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्राई दीज के, मतलब जो ट्राई दीज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।